नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम पढ़ रहे हैं संस्कृत भाषा में कारक प्रकरण। और जो संस्कृत भाषा का कारक प्रकरण है उसमें इससे पहले हमने एक कारिका पढ़ी थी जिसमें उभयतः, सर्वतः, उपरि उपरि, अधो अधः, अद्यदि और अधिक इन शब्दों का प्रयोग होने पर द्वितीय का विधान था। और उसमें ये बताया था कि अन्यत्र अपि दृश्यते, अर्थात दूसरे स्थानों पर भी हमें ऐसी प्रकार से देखना चाहिए। तो अब आप देखिए, यह एक वार्तिक है। अवितः परितः परितः समया निकषा हा प्रतियोगेपि, और इसका जो अर्थ है देखिए, अर्थ है अभितः, इसका अर्थ होता है दोनों ओर, परितः इसका अर्थ होता है चारों ओर, फिर है समया, इसका अर्थ होता है समीप, निकषा इसका अर्थ होता है समीप, हा ये दुख अर्थ में होता है, और प्रति और प्रति के योग में भी द्वितीय विभक्ति लगती है। ठीक है विद्यार्थियों, ये है कि ये जो शब्द होंगे उनमें भी क्या होगा कि द्वितीय विभक्ति लगेगी। अब देखिए कैसे के एक मान लीजिए हम पढ़ते हैं अभय अभितः, ठीक है, तो आपको पढ़ता है अभितः का क्या अर्थ है, दोनों ओर, तो आप लिखेंगे कृष्णम अभितः गोपाः ठीक है, इसका अर्थ है कृष्ण के दोनों ओर गोप हैं। गोप कहते हैं विद्यार्थियों ग्वाले को। तो ये जो कृष्णम है इसमें कौन सी है, द्वितीय विभक्ति है। अब आपसे कोई पूछ लेता है कि इसमें द्वितीय विभक्ति क्यों आई है, तो आप लिखेंगे अभितः के उपयोग में यहाँ पर कौन सी आई है, द्वितीय विभक्ति आई है। फिर उसके बाद क्या है, ये वाक्य हम जैसे ये लिख दें क्या है, परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर, क्या होता है विद्यार्थियों, चारों ओर। आप लिख सकते हैं कृष्णम परितः गोपाः, इसका अर्थ है कृष्ण के चारों ओर गोप हैं। गोप कहते हैं विद्यार्थियों ग्वाले को। इसको आपको रेखांकित कर देगा और आपसे पूछेगा कि कृष्णम में द्वितीय विभक्ति क्यों आई है, तो विद्यार्थियों आपको ये ध्यान रखना है क्यों आई है कृष्णम में द्वितीय विभक्ति। कृष्णम में जो द्वितीय विभक्ति आने का कारण है परितः। फिर उसके बाद देखिए समया है, तो समया का अर्थ क्या होता है,
समीप होता है। जैसे मैं लिखूं समया, समया का अर्थ है समीप। अब मैं लिखूं जैसे ग्रामम समया देवालयः अस्ति, इसका अर्थ है गांव के पास देवालय है। तो अब देखिए ये जो ग्रामम में द्वितीय आई है, आपसे पूछा जा सकता है कि इस ग्रामम में द्वितीय विभक्ति आने का कारण क्या है। तो आपको विद्यार्थियों ये विशेष रूप से ध्यान रखना है कि क्यों आई है, समया के योग में। क्यों? समया का अर्थ होता है समीप और इसके योग में क्या है, द्वितीय विभक्ति आती है। फिर उसके बाद देखिए जो दूसरे हैं उदाहरण, समया के बाद है निक्सा है, जैसे निक्सा का भी अर्थ क्या होता है विद्यार्थियों, समीप होता है। निक्सा का क्या अर्थ है, समीप। आप लिखेंगे लंकाम निक्सा, समुद्र अस्ति, लंका के पास समुद्र है। अब आपको पता है इस वाक्य में इसको रेखांकित करेगा और आपसे पूछेगा कि इसमें कौन सी विभक्ति है और किस कारण से आई है। तो आपको ये बता देना विद्यार्थियों कि यहाँ पर विभक्ति आने का कारण क्या है, विभक्ति आने का कारण है द्वितीय विभक्ति आने का कारण क्या है, निक्सा है। क्योंकि निक्सा जब प्रयोग होता है शब्द तो निक्सा से जो संबंध रखता होगा उसमें विभक्ति आती है द्वितीय। अब देखिए फिर है हा है, हा का अर्थ होता है हाय, खेद, दुख, सॉरी शोक, एक ही बात है और शोक, ये अर्थ है। और अगर आपसे वाक्य बनता है हा कृष्णा भक्तम, हा कृष्णा भक्तम, कृष्ण के अभक्त को खेद है, कृष्ण के अभक्त को खेद है, ये है जैसे, तो कृष्ण के अभक्त को खेद है ये आ जाएगा। तो देखिए तो इसमें हा के योग में इस कृष्ण भक्त में क्या आई है, द्वितीय आई है। और फिर देखिए प्रति है, और प्रति का अर्थ होता है की ओर। अब प्रति है, प्रति का अर्थ वैसे तो क्या होता है, की ओर होता है। जैसे वाक्य है ग्रामम प्रति गच्छति, गांव की ओर जाता है। ठीक है, अब ये जो गांव की ओर जाता है इसमें ग्राम में द्वितीय है। आपसे
पूछने कोई व्यक्ति के इसमें द्वितीय आने का कारण क्या है, तो आप बताएंगे इसमें द्वितीय आने का कारण क्या है। द्वितीय आने का कारण है इसमें प्रति। ऐसे ही एक वाक्य है, बुभुक्षितं न प्रतिवाति किंचित, बुभुक्षितं न प्रतिभाति किंचित, इसका अर्थ है भूखे को कुछ नहीं सूझता है। इसका अर्थ ये है विद्यार्थियों कि जो भूखा व्यक्ति होता है उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो यहां भी आपसे पूछ ले कि इस विवक्षितम में द्वितीय विभक्ति क्यों आई है, तो आप बता देंगे कि प्रति के योग में द्वितीय विभक्ति आई है। आज हमारा लेक्चर यहीं समाप्त होता है विद्यार्थियों, और जो भी विद्यार्थी मेरे संस्कृत भाषा से जुड़े हुए हैं और जिनको संस्कृत के अध्ययन में कोई समस्या आ रही है, तो आप उन समस्याओं के समाधान के लिए कमेंट्स में लिख दें। जिस प्रकार से संभावना होगी उनको सॉल्व करने की, मैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। आज के इस लेक्चर में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।